Hi guys, welcome to the Code Behavior. So today we are watching Laravel Angular Tutorial Part 38. Okay. So guys, previous video में हमने जो edit button था, edit के click पे हम क्या कर रहे थे, जो हमारा edit form था, ये वाला edit form है, इस पे हम क्या कर रहे थे, data को fetch कर रहे थे, ठीक है। इस video में हमें क्या करना है कि जो edit form का data है उसे modify करके हमें क्या करना है, update करना है, फिर से हमें इसे update करना है। तो इस functionality को इस video में हम करेंगे। सो गाइज, प्रीवियस वीडियो में हमने इसे लॉगिन किया था और अभी जब हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक एरर शो हो रहा है। एरर क्या शो हो रहा है, टोकन हैज एक्सपायर, ठीक है, टोकन हैज एक्सपायर्ड। तो एक केस ये भी आता है कि हमारा टोकन एक्सपायर हो चुका होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि टोकन को, एक्सपायर्ड टोकन को हम कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इस वीडियो में इसको हम रहने देते हैं और एडिट फंक्शनलिटी को कम्प्लीट करते हैं। तो टोकन है एक्सपायर्ड, अगर ऐसा एरर आपको यहाँ पे आता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन में जाओगे आप और यहाँ पे जो टोकन है लोकल स्टोरेज में टोकन स्टोर है इसको आप डिलीट कर दोगे और इस पेज को आप जब रिफ्रेश करोगे तो क्या होगा, दोबारा से जो लॉगिन हमारा पेज है उस पर चला जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, सो हमने लॉगिन किया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। हम इसको एडिट करते हैं, राघव, ठीक है, राघव को हमने एडिट किया। सो एडिट का डेटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, सिंपल जो हमारा केस है वो हम देखते हैं, ठीक है, बाद में हम इसे मॉडिफाई कर लेंगे। तो सबमिट हम करते हैं या फिर राघव वन हम लिख लिया यहाँ पे। ओके, सो व्हेन वी सबमिट इट देयर इज अ एरर, प्लीज एंटर अ वैलिड नेम, सो देयर हियर शुड नॉट बी एनी न्यूमेरिक नंबर। सो राघव ई एन, वी हैव एड ई एन एट द लास्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, सो जस्ट सबमिट दिस। After submitting, we are getting error, and what is the error? Target class user controller does not exist. Okay, so let's go inside the API. I mean Laravel. So when you check it, which URL called from here? Update student. Okay, so let's check here. Where is update student? This is update student. Where it is checking? Checking is inside the user's controller, but it should be inside the student controller. Okay, so just write here student controller, and inside the student controller there is no update student function. We can check it, there is no update student function. Okay, so we can get from here. Okay, क्योंकि previous video में हमने क्या किया था, हमने create किया था simple APIs. So student back यहाँ पे क्या है, एक model है. सॉरी, यूजर्स कंट्रोलर से हम इसे गेट करेंगे। सो यूजर्स कंट्रोलर में कौन सा डेटा है, ये वाला हमारा ए पी आई है, ठीक है, दिस वन इज अपडेट डेटा। ओके, सो यहाँ पे हम इसे पेस्ट करते हैं, ठीक है। सो हमने इसे पेस्ट कर दिया, अपडेट डेटा, यहाँ पे आप api.php में चेक करोगे तो अपडेट स्टूडेंट को जो हमने नाम दिया है फंक्शन का, वो क्या है, अपडेट डेटा, ठीक है। सो कंट्रोलर में हमने इसे डिफाइन कर दिया और मॉडल में क्या होगा, अपडेट स्टूडेंट कॉल होना चाहिए। सो मॉडल कहाँ, कौन सा था हमारा प्रीवियस मॉडल, स्टूडेंट अंडरस्कोर बैक हमने इसे रीनेम किया था। ओके, सो यू कैन जस्ट कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट इनसाइड द स्टूडेंट मॉडल। ओके, सो वी हैव पेस्टेड इट हियर, बट यहाँ पे सिनारियो चेंज होगा। सिनारियो चेंज क्या होगा कि पहले हमारे पास सिंगल टेबल था यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे शो कराऊँ, सॉरी, ये डेटाबेस है हमारा, ठीक है। सो पहले हमारे पास सिंगल टेबल था स्टूडेंट्स, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, ये सिंगल टेबल था, इसमें नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट सिंगल टेबल में ही हम स्टोर करा रहे थे। ओके, बट इन लारावेल, जब हमने लारावेल यूज किया तो इसमें जो मेन टेबल है क्या है, यूजर्स टेबल है, जिसमें नेम और ईमेल फेच कर रहे हैं, और जो सेकंड है, जो डिटेल्स हम स्टूडेंट की रख रहे हैं वो कहाँ पे, स्टूडेंट्स वाली टेबल में रख रहे हैं, ठीक है। सो हमें यहाँ पे दो टेबल यूज करनी पड़ेगी। ओके, सो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेटा हमारा क्या आ रहा है, डेटा कंप्लीट आ रहा है वहाँ से, बैकएंड से जो डेटा आ रहा है, सॉरी फ्रंट एंड से जो डेटा आ रहा है वो यहाँ पे सारा डेटा हमने ले लिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं शो कराता हूँ आपको, पहले हम इसे क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो इस API को हम टेस्ट कर लेते हैं पहले पोस्टमैन से, सो लेट्स ओपन द पोस्टमैन। सो पहले जो डेटा आ रहा है उसे हम चेक करते हैं कि डेटा क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है।
ठीक है। सो जो एपीआई है वो क्या है, अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। 10 यहाँ पे है आईडी। सो बॉडी में हम क्या पास कर रहे हैं, यहाँ पे बॉडी में कॉन्टैक्ट ईमेल और नेम पास कर रहे हैं, ठीक है। सो सेंड करते हैं हम इसे। सेंड किया हमने तो डेटा टोकन हैज एक्सपायर्ड, सो हमें टोकन यहाँ पे पास करना पड़ेगा जो हमारा टोकन है। सो यहाँ से हम कॉपी करते हैं टोकन, नेम ईमेल अपडेट कर दिया, ठीक है। सो यहां पे हम चेक करते हैं कि एरर क्या है। अगर हम रिजल्ट इंसर्ट कराते हैं, प्रिंट कराते हैं,
सो गाइज यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है। एरर पे हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा डॉलर डेटा है ये एरे आ रहा है, ठीक है। वी आर गेटिंग डॉलर डेटा एज एरे, ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। सो जस्ट राइट डॉलर डेटा एंड इनसाइड दिस यू कैन राइट नेम, ओके। एंड लाइक दिस यू कैन राइट इन नेक्स्ट रो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ईमेल, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ईमेल कर दिया। एंड व्हाट शुड बी दिस वन, डॉलर डेटा एंड इनसाइड दिस कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो ये हो गया कि जो हमारा यहाँ पे आ रहा है वो हमने किया। और यहाँ पे हम ट्राई कैच भी लगा सकते हैं। सो हमने यहाँ पे ट्राई कैच लगा दिया, ओके। सो ट्राई कैच हमने यहाँ पे लगाया है। ओके, अगर ये इनसाइड यहाँ पे हम रिटर्न ट्रू कराएंगे, ठीक है। ओके, अगर कैच में यहाँ पे जाता है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स, ठीक है, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। सो अब हम चेक करते हैं इसको कि क्या आ रहा है यहाँ पे, हम कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पे हम चेंज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नाम हम राघव लिखते हैं यहाँ पे, और इसको सेंड करते हैं। तो सेंड किया तो क्या है, डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। तो सेम हम क्या करेंगे, जो हमारा बैकएंड फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड से हम इसे चेक करते हैं। सो फ्रंट एंड में हम इसे बैक करते हैं पहले, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, एडिट करेंगे डेटा को। सो एडिट करते हैं इसको हम, यहाँ पे डेटा आ गया। अब हम इसे क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद इसे अपडेट करेंगे हम। सो लेट्स चेक व्हाट हैपेंड हियर, सबमिट करते हैं हम। सो सबमिट करने पे शायद कोई एरर आ रहा है यहाँ पे, हम चेक करते हैं कि क्या कोई एरर है क्या। सो एरर यहाँ पे आया है। एरर क्या है यहाँ पे, द टोकन कुड नॉट बी पास फ्रॉम द रिक्वेस्ट। सो यहाँ पे गाइज आप चेक करोगे कि एंगुलर में हम यहाँ पे चलते हैं, एंगुलर में। और एंगुलर में जो अपडेट स्टूडेंट है इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, जो टोकन है वो हम पास नहीं कर रहे हैं। सो टोकन हमें क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। सो लेट्स पास द टोकन इन हेडर। सो ये हम यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है, जिसे पास करेगा। सो हमने इसे पास कर दिया है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो अपडेट हो रहा है या कुछ हो रहा है कि नहीं। सो लेट्स अगेन चेक इट, ठीक है। सो अब हम सबमिट करते हैं इसको। सबमिट हमने किया तो यहाँ पे आ गया डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अगर हम इसे बैक जाके फिर से एडिट करते हैं तो जो हमने यहाँ पे लिखा था राघवेंद्र, और लास्ट में 74 यहाँ पे हमने राइट किया था कॉन्टेक्ट में, तो ये अपडेट होके आ गया, ओके। सो स्टार्टिंग में हमने वीडियो के देखा था कि हमें एक इशू आ रहा था जो कि क्या, किससे रिलेटेड था, टोकन हैज़ एक्सपायर्ड। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में टोकन एक्सपायरी टोकन को हम हैंडल करेंगे, उसके लिए हम कोड करेंगे। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।